वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। हाँ बिजी है। नहीं, बताओ गुड़िया। अच्छा हाँ, क्या बताऊँ, बीमारियाँ बहुत सारी थी, आपने उपाय बताए बहुत सारे, तो काफी चीजों से मुझे राहत मिल गई। शुरुआत करती हूँ मतलब नाक की बीमारी से। नाक की एलर्जी थी तो नाक में सरसों का तेल डालना शुरू किया मैंने रोज, तो ठीक 5-7 दिन में ही मतलब छींके आना से बंद हो गई। ठीक है, नहीं तो मुझे हर 1-2 दिन से मेरे को एलर्जी की गोली लेनी पड़ती थी, एलोपैथी, वो बंद हो गई मेरी। ठीक है। और आपने बच्चे के लिए बताया था, एक गुड़िया के लिए होम्योपैथी की दवाई बताई थी आपने मुझे, हिपर हिपर सल्फर था शायद, सूखी सूखी खांसी थी। नहीं जमावा था उसके, अच्छा तो मेरे पास आपने 2 नाम बताया था, बट मेरे पास एक कॉम्बिनेशन का मतलब दवाई थी, मैंने फोटो भेजी आपको, तो आपने बोला ये दे सकते हो, तो मतलब 2-3 खुराक में एक रात मैंने आपसे पूछा कि भाई ये तकलीफ है, बच्ची सो नहीं पा रही है, और दूसरी रात वो आराम से सो गई, और छाती पे सरसों के तेल में लहसुन डाल के पीठ की और वो भी मालिश की, तो उससे भी आराम हो गया उसको। और अब मतलब जब भी समय मिलता है तो मैं बच्चों के दोनों के मतलब सरसों के तेल से मालिश करती रहती हूँ, नाक में तीनों के सरसों का तेल डालती हूँ, बच्चों के मेरे भी, तो मतलब आराम रहता है बच्चों के छींके वगैरह आना जुकाम में भी काफी। और इससे मतलब है ना, उस दवाई को लेने से खांसी बंद हो गई, और अगर मतलब छाती में जो जमाव था ना वो हट गया, और बच्चों को मतलब 2-4 दिन में ना अदरक और वो उसका काली मिर्च उस शहद में मिला के वो भी देती हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरे एडी के लिए आपने मुझे बताया था कि वो सरसों के तेल में बोला था ना आपने, नौसादर और क्या बताया, हल्दी और चूना, तो पहली बार पट्टी की तो कुछ आराम नहीं आया, दूसरी बार पट्टी की तो 2-3% आराम आया होगा, तो मैंने सोचा क्या हुआ आराम नहीं आ रहा है, तीसरे दिन और पट्टी की तो थोड़ा 10% आराम हुआ, उसके बाद चूना खत्म हो गया, तो 2-4 दिन सफाई में बिजी हो गए दिवाली की बच्चों में। फिर मैंने कल वापस मंगाया, तो कल मैंने एक पट्टी की, चौथी पट्टी कल हुई, तो मुझे मतलब है ना 70% आराम आ गया है। मैं पहले चल नहीं पा रही थी, अब पाँव है ना जमीन पे नंगे पाँव तो मैं चल ही नहीं पा रही थी बिल्कुल, और मैं 5 मिनट भी अगर नीचे फर्श पे बैठ के वापस उठती हूँ तो मेरे दर्द इतना भयंकर कि मुझे चप्पल की जरूरत पड़ती है, और डर तो रहता ही था चप्पल पहनते तो भी। और अब जब रात को भी मतलब जब भी रात को सो के उठती हूँ तो मेरे तो पाँव जमीन पे टिकता ही नहीं था, और अब थोड़ा रिलीफ है मतलब आराम है, हल्का फुल्का दुखता है, तो मैंने कहा अब 4-5 बार पट्टी और करूंगी, तो देखती हूँ आराम हो जाए तो बढ़िया है। हाँ, क्यों नहीं होगा, हो कि जाएगा। वही तो ना मतलब कि है ना, जब इन सारी बीमारियों का इलाज घर में ही है तो डॉक्टर का 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, और नौसादर है तो 1-2 रुपये ये 10 रुपये में दे देते हैं, और डॉक्टर की फीस है 2 तो भी आराम नहीं मिलता है, बस वो आराम मतलब दर्द निवारक गोलियां दे देते हैं वो लोग, और बस वो लो तब तक ठीक है, वापस बंद करो। और अभी तो मैं सबसे बड़ी बीमारी मेरी एलर्जी की, 15-17 साल हो जाएंगे, तो एक भाई जी का मैंने मतलब आपने डाला था संदेश स्टेटस में, वो दफन वाली जो होती तकलीफ होती है ना स्किन हाँ में हाँ वाले, हाँ, तो मैं 1 महीना हो गया है त्रिफला ले रही हूँ, दिन में 3 बार कभी कभार 2 बार हो जाता है टाइम नहीं मिलता, तो ठीक है। 1 कप पानी के अंदर आधा चम्मच त्रिफला लेती हूँ, और जब वो उबल के आधा कप रह जाता है फिर उसमें गुड़ थोड़ा सा मिला के गुड़ मिल जाता है, फिर वो पी लेती हूँ, तो मतलब पहले मेरे को 3-4 दिन में एक गोली आधी गोली लेनी पड़ती थी, अब खुजली होती भी है तो इतनी ज्यादा नहीं होती, हफ्ते भर तक मैं चला लेती हूँ, गाड़ी खींच लेती हूँ कि भाई हो ठीक है। गई तो सहन कर लिया, कितना होगा, पहले वो सहन ही नहीं होता था, मुझे गोली लेनी ही पड़ती थी, तो मैंने कहा वो भैया जी में था उसमें कि भाई 3 महीने तक लेना है उसको, तो मैंने कहा 3 महीने लेती हूँ ऐसे मतलब आराम है मुझे, और मैं गोलियां लेती थी तो मेरी नींद पूरी नहीं होती थी, वो गोलियां सुला देती थी मतलब, और फिर नींद तो लेके कितना लूं, घर का काम भी करना पड़ता है, तो पैर इतने दर्द होते थे, पैर टूटते थे गोलियों की वजह से, नशे की वजह से, दवाइयों की, और अब मतलब काम करने की शक्ति भी इतनी है, दिवाली की सफाई वगैरह सब मैंने खुद नहीं अपने आप की है सारी। बीमारियां तो इतनी मतलब पूछे ही मत, घुटना दर्द होता है तो मैंने चूना शुरू किया, और अरंड का तेल गरम करके वो लगा रही हूं मैं, अब तो मेरे ठीक को आराम मिला गरम गरम अरंड का तेल से। है, बहुत बढ़िया। हाँ, और ये छोटे बच्चों के आजकल ये घुट जैसे आप है ना, तेल कौन सा काम में लेते हैं आप, घाणी का?
मेरे को तो कोशिश तो यही कहते हैं, मैं तो एक्चुअली स्पेशली घानी का ही लेके आता हूँ, थोड़ा दूर जाके लाना पड़ता है, लेकिन अपना 2 महीने 1.5 महीने 1 महीने के हिसाब से, अभी अच्छा दूर है तो अपना एक बार गए आराम हाँ से 5-7, मान ले मेरे को 3 लीटर लगता है तो 7 लीटर ले आया, 2 महीना निकल गया। अच्छा, कौन सा तेल बदल बदल के लेते हो? नहीं, मैं सरसों का तेल, एक्चुअली हम जहाँ हमारी जहाँ पैदाइश है वहाँ पे हमारे यहाँ सरसों ज्यादा होता है, अच्छा, तो हमारे बाप दादाओं ने सरसों खाया है तो हम सरसों ही लेते हैं, हाँ और पकवान पकवान के लिए तिल का तेल लेते हैं, अच्छा और नमकीन मीठे पकवान के लिए तिल का तेल, अच्छा नमकीन के लिए सरसों का तेल, और अच्छा अलसी का तेल कभी कभार। अच्छा अच्छा हाँ, अलसी का तेल कभी कभार खाता हूँ नॉर्मली, ऐसे सरसों और तेल। अच्छा, ये बच्चों की भी आजकल समस्या हो गई कि मम्मी घुटने में दर्द हो रहा है, मम्मी घुटनों में दर्द हो रहा है, वो कमजोरी बच्चों में भी तो मतलब, वो तो उनकी मालिश, और एक्चुअली क्या है, अच्छा मालिश, धूप वगैरह कम मिल रहा है बच्चों को इस वजह से। अच्छा हाँ, मेरी तो उम्र अभी 30-32 साल ही है, फिर भी मेरे, अब जैसे कैल्शियम तो मैं चूना लेती रहूँ ना, और घुटने के लिए ना मतलब वो अरंड का तेल गर्म करा करके हाँ लगाती रहूँ। हाँ अब वो जो त्रिफला ले रही हो, उस त्रिफले में ना गिलोय मिला दो और अच्छा सौंठ मिला लो, तो तुम्हारा अच्छा इधर घुटने के दर्द में भी राहत मिल जाएगी। अच्छा मतलब गिलोय को, हाँ वो हाँ, है मेरे मतलब पास घर पे। जैसे जैसे चौथाई चम्मच त्रिफला, चौथाई हाँ चम्मच गिलोई, 2-3 चुटकी अच्छा सौंठ, फिर अच्छा उसको उबाल के पियो। अच्छा गिलोय का पाउडर आता है? हाँ, गिलोई का पाउडर आता है, नहीं तो गिलोई है तो उसको आधा इंच कूट के डाल देना हाँ उसमें। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो भैया जी को बताऊं, बीमारी इतनी है कि